are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. So guys, जैसा कि आपने सिनेमैटिक में देखा, आज के सिनेरियो में कवर करने वाले हैं, आप दोस्तों मेरे सामने खड़ी है होंडा CBR 250 और इसको करने वाले हैं फुल लोड। इसमें 90% मॉडिफिकेशन की जाएगी जो भी पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो इसमें सब कुछ किया जाएगा। उसमें जो पेंट था ना, वो आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो पेंट इसका बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस पर रैपिंग कर दी गई और रैपिंग के ऊपर ग्राफिक लगा दिए गए, लेकिन ग्राफिक और रैपिंग देखने के बाद आप जज नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर पेंट किया गया है या फिर रैपिंग की गई, जो कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। बाकी इसका साइड पैनल्स एक तरफ कंप्लीट हो चुका है और एक तरफ पर भी रैपिंग का काम अभी चालू है, जो कि आप देख सकते हो गाइस। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मोबाइल होल्डर लगा रखा है और सामने से अगर आप देखोगे तो सामने से आपको देखने को मिल जाता है एक वाइज़र, ये देख सकते हो, और वाइज़र के साथ ही में यहाँ पर R6 के मिरर, जिसमें आपको इंडिकेटर यानी कि LED लाइट भी मिल जाती है, ये देख सकते हो गाइस। तो इसमें क्या है, इसमें इंडिकेटर भी आपका जो है वर्क करता है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा बल्की आती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा रखा है, जो कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ एग्जॉस्ट लगाया गया है एग्रोपॉविक का और फ्लेक्सिबल वाला इसमें बैंड पाइप यूज़ किया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारी एक्सेसरीज इसमें और हैं, जैसे एडजस्ट वाले क्लच हैं, लीवर्स, हैंड ग्रिप, स्लाइडर। तो करते हैं कंप्लीट और आपको दिखाते हैं फाइनल पे कि कैसी लगती है मॉडिफिकेशन के बाद आपकी CBR 250। गाइस वेलकम बैक टू SKD गाइस। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, जो मॉडिफिकेशन है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अलावा गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी बाइक्स आ रखी हैं अभी करंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो TVS रेडर है, जो कि रेड कलर में इसको भी किया जा रहा है मॉडिफिकेशन। लाइक इसमें आप देख सकते हो मोबाइल होल्डर वगैरह लगाया गया है, वाइजर लगाया गया है। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देख सकते हो इसमें शिवम भाई लगे हैं, इसमें लेमिनेशन कर रहे हैं, लेमिनेशन बहुत ही हैवी क्वालिटी वाली की जा रही है, जो कि आपके सामने है, और छोटे मोटे स्क्रैचेस तो उसे पता भी नहीं चलेंगे कहाँ गए। तो ये देख सकते हो आप फुल बॉडी को जो लेमिनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी लेमिनेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें जो आपकी यामा R15 वर्जन 4 को किया जा रहा है लेमिनेट, जो कि आप देख सकते हो। तो इस वाले पार्ट पे लेमिनेशन कर दिया, बट कटिंग करना बाकी है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसको काम किया जा रहा है, ये पार्ट भी कवर किया जा रहा है लेमिनेशन में, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो अपाची RTR 160 भी खड़ी हुई, इसको मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इसका अलग से वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें वाइजर हो गया आपका, नंबर प्लेट जो है, जो नंबर प्लेट होल्डर है वो भी आप देख सकते हो, बड़ी बेस्ट तरीके से फिटिंग यहाँ पर की गई है। फोर्स स्लाइडर लगाया गया, फुल बॉडी क्रैश गार्ड, फॉग लैम्प, और भाई ये जो वर्जन है इसको कन्वर्ट किया गया स्पेशल एडिशन में, जो कि आप देख सकते हो। तो ये भी मॉडिफिकेशन है, इसकी वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भी एक अपाची खड़ी हुई है रेड कलर में, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर है अपनी होंडा CBR 250, ये देख सकते हो आप, और इसको किया जा रहा है फुल लोड। फुल लोडिंग में क्या क्या एक्सेसरीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फुल लोड का मतलब इसमें एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट सब कुछ, जितना 99% मॉडिफिकेशन पॉसिबल है वो सब इस पर की जाएंगी। सो जैसे कि आप इसको, इसमें टेल टाइडी लगाई जाएगी, जो कि आपके सामने है, ये कुछ इस तरीके से लगेगी आपके यहाँ पर, ये देख सकते हो आप CBR पर। कलर काफ़ी सारे आते हैं इसमें, डिज़ाइन काफ़ी सारे आते हैं, बट ये काफ़ी बेस्ट है और ये एडजस्टेबल वाली है। इसको आप जिस एंगल पर चाहो सेट कर सकते हो, इसमें आपको लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। R6 के मिरर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपको LED मिल जाता है और मिरर का तो काम करता है, प्लस इसके मिरर को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से लुक आता है लगने के बाद, ये देख सकते हो। इसके अलावा इसमें काफ़ी बेस्ट साउंड है इसका, ये हॉर्न लगा रहा है, इसका कुछ चलान का भी इशू नहीं होता, ये आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से लगते हैं फोर्क स्लाइडर, जो कि आप देख सकते हो इस जगह पे लगेंगे, जिससे आपका शॉकर रहेगा प्रोटेक्ट। डिज़ाइन काफ़ी सारे आते हैं और ये काफ़ी हैवी है, ये मेटल में होते हैं गाइस। और एडजस्टर वाले क्लच एंड लीवर्स, जो कि आप देख सकते हो रेड कलर के कॉन्सेप्ट पे लिए गए हैं, जो कि यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसको अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हो, ये देख सकते हो आप। सुबह दोस्तों ये है मॉक्सी की ओरिजिनल, कुछ इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आती है। कलर इसमें भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे और ये रेड कलर के पे लिया गया। इसके अलावा यहाँ पर AGG का ओरिजिनल सेंटर लॉकिंग, जिसमें आपको दो की मिलती है, सायरन मिलता है, पावर ब्लास्टर मिलता है और पूरी वायरिंग मिलती है, जिससे आपकी वायरिंग यानी कि आपकी जो बाइक की है वो गारंटी वारंटी कोलैप्स नहीं होगी, किसी तरह की कोई तार नहीं कटेगी, सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा क्या दोस्तों, इसमें स्लिम वाले KTM वाले इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं, जो कि LED इंडिकेटर है, काफी बेस्ट है, काफी हैवी क्वालिटी है आपके सामने गाइस। सो यहाँ दोस्तों यहाँ पर थाई पैड भी लगाए जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से लगेंगे यहाँ पर, और इसमें काफी सारे डिजाइन आते हैं, बट ये काफी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें हल्का सा रेड का टच दिया जाएगा। यहाँ पर भी लीवर पर भी और हैंड ग्रिप पर भी तो काफी मैच हो जाएगा, ये भी है। इसके अलावा फॉग लाइट लगा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो इसमें आपको दो कलर मिलते हैं, जिसमें आपको येलो मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, वाटरप्रूफ है और उसमें आपको पावर ब्लास्टर भी मिल जाता है, जिसमें आपकी वायरिंग में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, बैटरी पर इफेक्ट नहीं पड़ता गाइस, तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा इसमें जो है नाइट आई लगा रहा है ओरिजिनल, ये देख सकते हो गाइस ओरिजिनल नाइट आई है। इसके पीछे आपको फैन मिल जाता है, यानी कि ये ऑटोमेटिक ठंडा करता रहता है। लाइट को फोकस इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आपको अच्छी तरीके से रिव्यू लेना है तो आप अगर गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फोकस और ब्राइटनेस कहता है। इनफैक्ट लोग इसको कार में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी तो इसमें काफ़ी होंगी, लाइक एग्जॉस्ट वगैरह का साउंड में आपको सुनाऊंगा, तो पहले करता हूँ कंप्लीट, आपको दिखाता हूँ फाइनल पर। फाइनली गाइस आपकी होंडा CBR 250R हो चुकी है कंप्लीट, और मॉडिफिकेशन के बाद जो लुक आया है वो गाइस आपके सामने है काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि एक एक चीज़ उसमें लगाई गई है, वो सिर्फ लगाई नहीं गई है, उसको परफेक्ट तरीके से लगाया गया है, जचाया गया है,
और उसके बाद जो लुक आया गाइस वो आपके सामने है, आप देख सकते हो फ्रंट में कितना बेहतरीन सा लुक आया। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है वाइजर, और वाइजर जो लगाया गया है वो लगाया गया ब्लैक कलर में। इसमें ट्रांसपेरेंट भी आता है, आप चाहो तो रैपिंग कराकर किसी और कलर का भी करा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो ये कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, ये देख सकते हो R6 के मिरर, ये देखो गाइस जिसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से कितना बल्की वाला जो है लुक आ रहा है, यहाँ से देख सकते हो गाइस आप। तो करता हूँ इसका इग्निशन ऑन और आपको दिखाता हूँ कि ये इंडिकेटर पर कैसे वर्क करते हैं गाइस। तो जैसे इसका इंडिकेटर हम ऑन करते हैं, क्योंकि इसमें हैजार्ड सिस्टम भी लगा रखा है, इसका फॉग लाइट पहले बंद कर देता हूँ। सो गाइस हैजार्ड लगा रखा है जिसमें आपको 40-50 तरीके के मिल जाते हैं पैटर्न, और ये पैटर्न आपके R6 पर भी वर्क करते हैं, यानी कि मिरर पर भी वर्क करेंगे, और फ्रंट से इंडिकेटर का भी काम करेंगे गाइस, और पीछे की साइड से आपके मिरर का काम करेंगे, जो कि आप देख सकते हो। और आप इस व्यू को कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो अपने व्यू को, क्योंकि ये एडजस्टेबल वाले हैं, यहाँ से देख सकते हो गाइस आप, काफ़ी बल्की वाला लुक आता है यहाँ से, और गाइस इस तरीके से ये लुक आता है। बात करता हूँ यहाँ पर विंगलेट की, तो ये विंगलेट काफ़ी बेस्ट लग रही है नियॉन कलर की, जो काफ़ी कंट्रास्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप चाहो तो ब्लैक भी लगा सकते हो, बट ब्लैक यहाँ पर दिखती नहीं, इसीलिए यहाँ पर नियॉन कलर का लगाया गया। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देख सकते हो नंबर प्लेट का कवर लगाया गया, और यहाँ पर लगाया गया फॉग लाइट जिसमें आपको दो कलर मिलते हैं, येलो एंड वाइट, और यहाँ पर लगाया गया इसका स्विच। इस एक स्विच से आप दोनों लाइटें कर सकते हो कंट्रोल। इसका फोकस मैं दिखाता हूँ आपको आगे, बट मैं आपको नॉर्मल ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने अभी एक्टिवेट किया है, ये किया है येलो, ये देख सकते हो, और अब मैं करता हूँ इसका वाइट वाला एक्टिवेट। सो गाइस ये देख सकते हो आप, तो ये हो गया इसका वाइट, ये आपको दो कलर में मिल जाती है, येल्लो और वाइट। येल्लो जो है वो फोक को काटने के लिए ज़बरदस्त है, और येल्लो ही फोक को काटता है। यहाँ पर लगाया गया नाइट आई बल्ब जिसका इसका फोकस और इसका नाइट आई का फोकस मैं आपको दिखाऊंगा अंधेरे में, यानी कि अभी शॉप से बाहर जब इसको लेकर जाएंगे तब। ये तो हो गया इसका फ्रंट का। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बॉडी इंडिकेटर, अगर मैं नॉर्मल इंडिकेटर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं, रनिंग में है, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। इस सेट का इंडिकेटर अगर दिया जाए तो गाइस आप देख सकते हो, बॉडी इंडिकेटर हो गया, विंगलेट हो गई, नाइट आई हो गया, वाइजर हो गया, R6 के मिरर हो गए, और गाइस फॉग लाइट हो गई। अब आ जाते हैं हम हैंडल बार पर। सो गाइस अगर आप हैंडल बार पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको लुक मिलने वाला है ये सब मॉडिफिकेशन के बाद। यहाँ पर लगा रखा है मोबाइल होल्डर जो कि CNC में है विदाउट चार्जर, आप चाहो तो चार्जर वाला भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये भी है। इसके अलावा ये जो स्विच है गाइस ये है हैजार्ड का, इसको जितनी बार आप ऑन ऑफ करोगे उतनी बार इसकी पैटर्न हो जाएंगे चेंज। स्विच मैंने आपको दिखा दिया था, हैंड ग्रिप लगा दी है ये आप देख सकते हो, और हैंड ग्रिप जो लगाई गई है ये कस्टमर की चॉइस के हिसाब से लगाई गई है, आप चाहो तो उसमें ब्लैक भी लगा सकते हो या जिस कलर का आपका बाइक होगा, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। और इसके अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर, जिसको अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कुछ इस तरीके से स्विच करके एडजस्ट कर सकते हो गाइस, ये देख सकते हो दोनों तरफ सिल्वर कलर के, काफ़ी हैवी है गाइस। अब बात आती है इसकी ऑल ओवर बॉडी की, तो बॉडी पर जो है काफ़ी ज़्यादा इसके जो स्क्रैचेस थे, काफ़ी ज़्यादा इसका लुक खराब था, तो यहाँ पर हमने पेंट नहीं किया है, आप चाहो तो पेंट भी करा सकते हो, पेंट का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, बट यहाँ पर की गई है रैपिंग, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हो लेमिनेशन की गई है ब्लैक कलर की, जो एक ग्लॉसी में ली गई है, ओरिजिनल स्टिकर्स लगाए गए हैं, और कुछ इस तरीके से लुक लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू। और ये जो मैंने बाइक अभी धुलवाई नहीं है इसीलिए, क्योंकि ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये टायर हैगर भी इसमें लगा रखा है, और टायर हैगर लगाने का बेसिकली फ़ायदा यही होता है जिस तरीके से आप कंडीशन दे सकते हो, तो ये लगाने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और यह रिफ्लेक्टर्स वाला, यानी पीछे से अगर लाइट पड़ेगी तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। टैंक पे अगर मैं आपको दिखाऊं रैपिंग के अलावा, तो यहाँ थाई पैड्स एंड टैंक पैड्स, थाई पैड्स आप देख सकते हो नियॉन एंड ब्लैक कलर के लिए गए हैं, और गाइस आपका टैंक पैड हो गया। ये थाई पैड जो है ये आपका कलर का यहाँ से आप देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट पे लिया गया है, विंगलेट को यहाँ से मैच किया गया गाइस। सो गाइस आपके थाई पैड्स टैंक पैड्स हो गए। इसके अलावा सीट कवर भी इसका चेंज है, और सीट कवर जो है ब्लैक ही लिया गया, थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दिया गया, आप चाहो तो टूरिंग सीट बनवा सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आप टूरिंग पर बाइक को ले जाना चाहते हो या आप नॉर्मल सिटी में चलाना चाहते हो, तो ये पर्पस तभी हल होगा जब आपका एक गोल होगा कि आपको किस तरीके से मॉडिफाइड करानी है। स्लाइडर विथ फ्रेम स्लाइडर, या इसको स्लाइडर को लगाया गया फ्रेम के साथ, यानी कि प्रॉपर तरीके से, ताकि इनकेस कभी बाइक गिरता है तो आपका फेयरिंग सेफ रहता है, क्योंकि आपको पता है फेयरिंग वाली बाइक्स के जो फेयरिंग आते हैं वो सारे प्लास्टिक्स के आते हैं, तो उस केस में आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, काफ़ी सेफ रहता है गाइस। तो ये तो हो गया फ्रेम स्लाइडर। इसके अलावा यहाँ पर बैंड पाइप लगाया गया, जो कि एडजस्टेबल वाला यानी फ्लेक्सिबल बैंड पाइप होता है, और यहाँ पर लगाया गया एक्रोपब्लिक का एग्जॉस्ट, जिसमें आपको डीबी कलर एंड विदाउट डीबी कलर दोनों मिल जाता है। डीबी कलर इसमें लगा दिया गया है, अब इसका साउंड हो जाएगा कम, निकाल दोगे तो हो जाएगा ज़्यादा। ये इसका साउंड मैं सुनाऊंगा वीडियो के लास्ट में। बैक साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टेल टाइडी, जो कि एडजस्टेबल वाली टेल टाइडी है गाइस, ये देख सकते हो गाइस। KTM वाले इंडिकेटर, ये देख सकते हो गाइस लुक। तो उसको लेके चलते हैं बाहर और दिखाते हैं इसका थोड़ा सा फोकस फॉग लाइट का और
नाइट आई की हेडलाइट का। और सुनाता हूँ गाइस आपको मैं साउंड भी के साउंड इसका कैसे जो है निकलता है डीप कलर के साथ। सो गाइस सुनाता हूँ मैं इसको साउंड किसका साउंड कैसा आता है। ये साउंड था गाइस विद डीबी कलर, अगर डीबी कलर हटा दोगे तो और ज्यादा साउंड हो जाएगा इसका। एक बार इसका फॉग लाइट का और इसका नाइट का एक साथ फोकस दिखाता हूँ मैं आपको कितना आ रहा है। करना एक बार इसको ऑन। सो गाइस अब देखो ये इसका जो है फॉग लाइट का फोकस है येलो का और ये वाइट का। ये देखो गाइस काफी अच्छा इसका फोकस है। एक बार इसकी हेडलाइट जलाना नाइट आई वाली। ये देखो गाइस तो ये है इसका नाइट आई का। ये देखो गाइस तो काफी अच्छी इसकी लाइटिंग वगैरह है, बहुत जरूरी है ये देख सकते हो। तो ये था आज की वीडियो।